भारतीय जनता पार्टी के सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। आपने चौंकाया है हरियाणा में, किसी को उम्मीद नहीं थी, ना कोई आपको पोस्टर इतने नंबर देने के लिए तैयार था, और आप आगे चलेंगे कांग्रेस से मेजोरिटी मार्क के ऊपर आप ट्रेंड करेंगे। अभी इस वक्त 10:40 के करीब वक्त हुआ है, ये तो कोई नहीं सोच रहा था। कर देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि कोई भी निष्कर्ष अंतिम परिणाम आने के उपरांत ही निकालना उचित रहता है, परंतु जो रुझान दिख रहे हैं वो बहुत सकारात्मक दिख रहे हैं, और मैं आश्वस्त हूं कि ये जब अंतिम परिणाम में परिणित होंगे तो निर्णायक, ऐतिहासिक और प्रभावी जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। जो आपने चौंकने वाली बात कही, इसमें देखिए कहीं चौंकने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, जो लोग अपनी आंखों पर एक विशेष प्रकार का चश्मा लगा के बैठे हों, या लोग जो विदेश में जाकर भारत की राजनीति के बारे में अनेक प्रकार की अनर्गल बातें करते हुए उसी नजरिए से देश को देखते, हो सकता है उनको चौंकने वाली लगे, परंतु मैं मानता हूं परिणाम किसी के भी पक्ष में आए परंतु लोकतंत्र को बदनाम करने के प्रयास नहीं होने चाहिए, इस चीज से हमें परहेज करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने तो सुबह सुबह जलेबी बांट भी दी मुख्यालय में अपने। देखिए, इसका उत्तर तो कांग्रेस के किसी प्रवक्ता से पूछना चाहिए, परंतु हम इतना जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस ने पिछले करीब 1.5-2 सालों से अपनी इस मोहब्बत की दुकान में, तथा कथित मोहब्बत की दुकान में इतने जहर बुझे सामान उन्होंने बेचने का प्रयास किया है कि जलेबी की कितनी भी मिठास ला लें वो कड़वाहट जो है वो दूर होने वाली नहीं। सुधांशु जी, अब वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा आपकी बात में, आप अभी 11 सीट से आगे दिखा रहा है आपको जो 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 ट्रेंड्स हैं, रुझान जो है, उसके बावजूद इतना कॉशियस क्यों है? नहीं, हम तो नहीं कह रहे, हम तो इसलिए हैं कि अभी हम देखेंगे कि अंतिम फिगर क्या आएगी। आप देखिएगा, आपको जानते क्या नजर आ रहा है। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, आप लोग कांग्रेस के अतिरंजित, अति आत्मविश्वास से भरे हुए, या यूं कहें भरमाए हुए लोगों से जब तुलना करेंगे तो हम लोगों की सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति आपको कॉशियस नजर आएगी। सौरभ ने जो शुरू में पूछा था सुधांशु जी, उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के ऐसे पूछूं कि इन्होंने पूछा कि चौंका दिया गया, क्या आप लोग भी चौंक गए हैं अभी तक के ट्रेंड को देख के, ये माना जाए? नहीं, हम लोग में कोई चौंकने का सवाल नहीं, हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, और मैं तो कह रहा हूं जो ट्रेंड दिख रहा है, हमारी पूरी उम्मीद है कि अंतिम परिणाम इससे कहीं अधिक बेहतर दिशा में, डिसाइसिव मैंडेट भारतीय जनता पार्टी दोनों ही राज्यों में आज तक का अपने सबसे शानदार प्रदर्शन करे। रीजन, क्योंकि ठीक 4 महीने पहले तकरीबन आपको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, स्वाभाविक सी बात है कि यह समझ में आ गया था कि उस मुख्यमंत्री के सारे चुनाव में नहीं जा सकते, तो अभी तक का जो ट्रेंड नजर आ रहा है अगर यही आगे कंटिन्यू रहा था, इसके पक्ष में कौन सी चीजें रही जो आपको लग रहा है कि ग्राउंड पे काम किया उसने? देखिए, मैं पुनः एक बार कहूंगा, अंतिम परिणाम आने के बाद ही विश्लेषण होना चाहिए, और विश्लेषण कोई 1-2 आधार पर चुनाव की जीत या हार नहीं तय होती है। जो हम जीतेंगे और शानदार जीतेंगे तो उसका हम व्यापक विश्लेषण करेंगे। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है जो शानदार विकास के कार्य 10 वर्षों में हुए, ईमानदारी से 1,40,000 लोगों को नौकरी मिली, खर्ची पर्ची का विषय समाप्त हो गया। अगर मैं एक और उदाहरण दूंगा जो आज तक हरियाणा में कभी नहीं हुआ होगा, किसी ने नहीं सोचा होगा कि सौर ऊर्जा में भारत दुनिया का लीडर बनेगा, एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा, और उस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में बनेगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई इंटरनेशनल संस्था ऐसी होगी जिसका केंद्र कभी हरियाणा जैसे छोटे राज्य में हो। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे काम थे जो शानदार काम खट्टर जी और सैनी जी की सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में किए, उस दिशा में एक पॉजिटिव अभिव्यक्ति है, इसलिए हम आश्वस्त हैं कि जो लेकिन सुधांशु जी और अधिक सकारात्मक जो नैरेटिव राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों के बाद जिस तरह से उन्हें कामयाबी, उसे तो वो ओवर कामयाबी मान रहे थे, बनाने की कोशिश की थी, आपको लगता है कि अब वो नैरेटिव जो है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया है, वो गुब्बारा जो था उनका फट गया है? देखिए, वो नैरेटिव क्या थे, अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं तो मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता हूं, पर सारे दर्शकों से कहना चाहता हूं एक बार केवल आप जाकर ये चेक कर लीजिए कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे जातिगत जनगणना का विषय 2021 से पहले आपने कभी राहुल गांधी जी के मुंह से नहीं सुना होगा, चूंकि एक विदेश में फाउंडेशन है, हेनरी लूसी फाउंडेशन, जिसका जॉर्ज सोरेस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से भी कनेक्शन है, उसमें एक इंडोलॉजिस्ट है यूरोपियन जिसका नाम है मिस्टर क्रिस्टोफर शेरलॉट,
जिन्होंने हिंदू मेजोरिटीरिज्म के बारे में भी एक प्रोजेक्ट लिखा है और कई लाख डॉलर का प्रोजेक्ट लिया गया कि इसको काउंटर करने के लिए कास्ट सेंसस का प्रोजेक्ट लेना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी उससे गवर्न हो रहे हैं, पर दोनों में डॉट्स तो कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए वो जो एजेंडा था। और मैं अगर सामान्य सहज भाषा में कहूँ, ग्रामीण परिवेश की भाषा में, तो कभी कभी कहावत होती काठ की हंडिया एक ही बार चढ़ती है, तो कई बार होता है कि आप जैसा वातावरण बनाने में सफल हो जाते हैं, कभी कभी होता है कि भ्रम हो जाते हैं, या मैं ये कहूँ कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे थे। अगर मैं आध्यात्मिक अर्थ में कहूँ तो ये भी था। तो जब आप सही होते हैं तो आगे की परीक्षाओं के लिए मनोबल मिलता है और आओ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। दरअसल हुआ ये कि अब एग्जिट पोल से या सर्वे से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों राज्यों के चुनाव में अपेक्षित जीत का सहरा राहुल गांधी के सर बांध दिया था। राहुल गांधी को वो जननायक मानते हैं, देश का सबसे लोकप्रिय नेता मानते हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी जो थी पहले से राहुल गांधी को क्रेडिट कर रही थी कि राहुल गांधी की लहर चल रही है इन राज्यों में। वैसे मैं टेक्निकली एक बात कहूं, पिछला चुनाव जो था टेक्निकली मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष थे और दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी नहीं थे, खड़गे जी राज्यसभा में थे और अधीर रंजन चौधरी जी लोकसभा में। पहला ऐसा चुनाव था जहां प्रियंका गांधी जी ने एक्टिव रोल प्ले किया था, तो अगर आप देखें तो इन सब का सामूहिक प्रभाव था, इसलिए आप ये कहें कि एक व्यक्ति के आधार पर यह निर्णय, यह चुनाव जो हुआ है इसमें उन सबको ओवरशेडो कर दिया गया। मतलब अब अधीर रंजन चौधरी जी तो है ही नहीं, खड़गे जी अध्यक्ष होने के बावजूद साइडलाइन थे और राहुल गांधी का कद कहीं ज्यादा दिख रहा था, अब वो ऑफिशियली नेता प्रतिपक्ष हो गए थे, प्रियंका जी भी थोड़ा साइडलाइन कर दी गई थी। तो अगर देखा जाए तो ये चुनाव था जैसे 2014 का चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में था, 2019 टेक्निकली भी उनके नेतृत्व में था, वो अध्यक्ष भी थे और प्रत्यक्ष रूप में सबसे बड़े नेता भी थे, और ये चुनाव फिर है। तो राहुल गांधी जी के अगर व्यक्तिगत से कंपेयर करें तो ये 2024 टेक्निकली उनके नेतृत्व का चुनाव नहीं था, टेक्निकली ये चुनाव था जहां पर कि रुझानों में बहुत बेहतर कांग्रेस करती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। सुधांशु जी, विपक्ष लगातार ये आरोप भी लगा रहा था कि इस बार नतीजों को लेकर आप लोग बहुत आश्वस्त नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, ग्राउंड से अच्छी रिपोर्ट नहीं आ रही है, भले ही रुझान अभी आपकी सरकार बनाते हुए दिख रहे हो, तो इसीलिए आपने इस बार मोदी जी ने वहां कम रैली की, चार ही रैली की पिछले सालों के मुकाबले में, नारा जो था वो भी भरोसा दिल से बीजेपी फिर से, मोदी जी उसमें नहीं थे, तो इस तरह के आरोप भी लग रहे थे, लेकिन नतीजे तो ये कह रहे हैं कि मोदी मैजिक फिर से चला है। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को किसी प्रकार का भ्रम हो गया हो उसे सामान्य सहज रूप से काम करने वाला व्यक्ति भी अपने मुकाबले कुछ अलग सा नजर आता है या कमजोर नजर आता है। तो कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई थी, 99 का नशा ऐसा चढ़ गया था, मतलब लोकसभा चुनाव में थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट नहीं टच करने के बावजूद वो 99 का नशा ऐसा चढ़ गया था, जिसे ब्रज क्षेत्र के ग्रामीण परिवेश की एक कहावत है कि एक हुतो समझाइए आके कुपह में ही भांग पड़ी है। तो मतलब एक को समझाइए, ठीक है, ऐसा लगता कुएं में भांग पड़ी है, या दूसरा वो जो पुराना गाना था ना हिंदी फिल्मों का, जिसको देखो वही आज मदहोश है, आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया। तो दीवाना जो था गजब ढा रहे थे वो राहुल गांधी थे और कांग्रेस वाले 99 के जोश में 99 के उसमें मदहोश दिखाई पड़ रहे। जम्मू कश्मीर के अभी तक के रुझान को कैसे देख रहे हैं सुधांशु जी, उसका विश्लेषण कैसे कर रहे हैं आप लोग? मेरा मानना है अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन करेगी। कुछ समय पहले तक हम कश्मीर घाटी में भी अच्छी कुछ सीटों पर प्रभावी स्थिति में दिख रहे थे, पर एक मैं कहना चाहूंगा, पूरे देश को चुनाव परिणाम कुछ भी हो जम्मू कश्मीर का, लोकतंत्र ने जो शानदार विजय प्राप्त की है इसके लिए मोदी सरकार को बधाई देनी चाहिए। आप सोचिए कि 60% के करीब वोटिंग होना, छम सेक्टर में 80% वोटिंग होना, आप सब ने देखा कि लाल चौक पे जहां झंडा नहीं फहरा सकता था 1990 के दशक में राज्यपाल भी, 26 जनवरी 15 अगस्त को वहां चुनाव प्रचार होना, मुझे लगता है लोकतंत्र के जीवित होने का जश्न जरूर मनाया जाना चाहिए और इसका श्रेय मोदी सरकार को निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और चुनाव परिणाम भी हमें विश्वास है कि ऐतिहासिक रूप से अब तक के हमारे सबसे प्रदर्शन की, अच्छे प्रदर्शन की गवाही देंगे। फिर एक बार हरियाणा की बात करते हुए, आपके बारे में, आपकी पार्टी के बारे में बहुत कहा जाता है कि आप गैर जाट की राजनीति करते हैं, उसी दम पर आप दोनों दो बार सरकार बनाने में कामयाब हुए, जाट आपसे नाराज है, जाट आज बीजेपी के साथ कभी नहीं जा सकता, इस वक्त जाट डोमिनेटेड बेल्ट में आप लीड कर रहे हैं सुधांशु जी। देखिए मैं पुनः कहना चाहूंगा,
जात बिरादरी की राजनीति करने वाले लोगों की सोच और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। हम सभी जातियों का की पहचान, उनके सम्मान और उनके उत्थान की राजनीति करते हैं और ये जातियों में घमासान की राजनीति। मैं एक छोटी सी बात आपसे जो पहले भी बोला था वो मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये जाटों के प्रति सम्मान की बात करते थे तो आपको पता है जाट रेजिमेंट भारत की सेना की बहुत गौरवशाली रेजिमेंट है और उसका उद्घोष वाक्य क्या है, जाट बलवान जय भगवान। तो ये राहुल गांधी जी भगवान के नाम की शपथ लिए हैं क्या? नहीं, देखिए जाके संसद में शपथ तो लिया अंग्रेजी में, सोलेमनी अफर्म नॉट इट स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। हाँ, भगवान का यूज किए हैं। तो भगवान में जिनकी आस्था नहीं वो जाट बलवान उनके साथ खड़ा होगा, ये सोचना गलत है। और अगर इस आधार पर कहें तो मात्र एक साल पहले हमारे हरियाणा के अध्यक्ष भी जाट थे, राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पुनिया जी थे, यहां ओम प्रकाश धनखड़ जी थे और उत्तर प्रदेश में आज भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में जाटों की संख्या बहुत कम है और संवैधानिक पद पर है वो तो एक अलग बात है। तो तब कुछ लोग ये कहते थे आप ज्यादा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा हम सबको सम्मान, सबको स्थान देते हैं, इसीलिए मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। ये सबको सम्मान और स्थान नहीं, ये जातियों में घमासान की बात करते हैं।